मैं आ गया हूं पर क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारा चौखट तक आई तब ना बारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिख दी कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी? और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पार में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूं? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया।